आज एक मैं बहुत ही हेल्दी फ्रूट के बारे में बात करने वाली हूँ जो अभी सीजनल है। सबसे पहले मैं उसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करूंगी, फिर मैं आपको रिवील करूंगी विच फ्रूट आई एम टॉकिंग अबाउट। आपको ग्लोइंग स्किन देता है, हेल्दी स्किन देता है ये फ्रूट, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ वाइटामिन सी। तो एंटी एजिंग में हेल्प करता है, एज रिवर्सल में हेल्प करता है, और आपके जो क्लॉग्ड पोर्स होते हैं स्किन में उनको क्लीन करने में भी हेल्प करता है, और आपकी बोन्स को स्ट्रांग करने में हेल्प करता है बिकॉज इट्स अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ फॉस्फरस। तो जिन लोगों को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम रहता है तो इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रहती हैं, तो ये आपकी स्वेलिंग को कम करने में हेल्प करता है और आपकी बोन मिनरल डेंसिटी भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। एंड दैट इज वॉट वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू, कि हमारी बोन मिनरल डेंसिटी इंप्रूव हो। देन आपकी टमी के लिए, आपके स्टमक के लिए, आपके गट के लिए बहुत हेल्दी रहता है बिकॉज इट इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म। तो आपका फूड बर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव होता है, फूड मोबिलाइजेशन इंप्रूव होता है। देन अगर इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर, तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का, जिन लोगों का बहुत ही एक्यूट प्रॉब्लम रहता है, तो आपको इसको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अगर आपको कोई ट्रबल्स रहते हैं, इश्यूज रहते हैं, तब भी ये बहुत हेल्दी रहता है। जिन लोगों को इंसोमिया का इशू रहता है, स्लीप डिसऑर्डर रहता है, उनके लिए बहुत हेल्दी रहता है क्योंकि इसके अंदर फाइटोकेमिकल्स हैं, इसके अंदर पॉलीसेकेराइड्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, तो जो जिसके अंदर सिडेटिव क्वालिटीज़ रहती हैं, तो वो स्लीप इंड्यूस करने में हेल्प करता है आपकी नर्व्स को, आपके माइंड को काम करके। प्लस जिन लोगों को एनजाइटी का इशू रहता है, नर्वस डिसऑर्डर्स रहते हैं, तो उन लोगों को भी बहुत हेल्पफुल रहता है उन लोगों के लिए। देन आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है ये, क्योंकि इट्स अ गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ फॉस्फरस, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, ये सब मिनरल्स रहते हैं। तो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत हेल्दी रहता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में हेल्प करता है। जिन लोगों को एनीमिया का प्रॉब्लम है, जो लोग अनीमिक हैं, उनके हीमोग्लोबिन लेवल्स भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। सो अगर मैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूँगी, द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। मैं बात कर रही हूँ बेर की, ये हम इसको इंडियन प्लम भी कहते हैं। तो शिवरात्रि के टाइम पे, अब ये सीजन में, ये सीजनल रहता है, आपको अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। दैट हैज लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स, उसकी मैंने अभी बात करी। सो फ्रेंड्स, डू दिस, इंक्लूड दिस इन योर डाइट एंड एंजॉय इट्स हेल्थ बेनिफिट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।